हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टेग्राम। आज हम देखेंगे कि कैसे हम अपने एप्लीकेशन को डबल क्लिक पे ओपन कर सकते हैं। अपने एप्लीकेशन का मतलब है हमारी जो कोडिंग है जावा की। फॉर एग्जांपल, मेरे पास में एक डेमो क्लास है जिसमें मैंने कोडिंग की है। अब मैं चाहता हूँ कि हमारा जो एप्लीकेशन है ये रन करे हमारे डबल क्लिक पे। तो ऐसे में हम एक जार फाइल क्रिएट कर लेते हैं जो हम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर उसे जाके रन कर सकते हैं। ठीक है, हमें उसकी फाइल्स की ज़रूरत नहीं है, हमें कोडिंग की ज़रूरत नहीं है। ओके, पहले से नॉर्मली हम कंपाइल करके रन करके देखते हैं कि कैसे हमारा ये हमारा फॉर्म है क्या। एक्चुअली जावा सी डेमो डॉट जावा एंड देन जावा डेमो मैंने रन किया और ये हमारे पास में फॉर्म आ गया। और मुझे इसकी जावा फाइल बनानी है, ठीक है, सॉरी जार फाइल बनानी है जो हमारा डबल क्लिक पे फॉर्म ओपन हो सके, हमें इतनी कोडिंग लिखने की ज़रूरत ना पड़े, आई मीन ये कमांड्स लिखने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, इसे क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, और सबसे पहला स्टेप है कि एक मैनिफेस्ट फाइल बनाते हैं। मैनिफेस्ट फाइल बनाने के लिए हम जाएंगे न्यू पे एंड देन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, सॉरी मैनिफेस्ट, स्पेलिंग हमारी एक्यूरेट होनी चाहिए, मैनिफेस्ट, राइट। ऑल द लेटर्स विल बी स्मॉल एंड इसे ओपन करेंगे और यहाँ पे हमारी मेन क्लास है उसका पाथ देंगे। मेन क्लास हमारी क्या है, इन दैट केस डेमो हमारी मेन क्लास है, क्योंकि अगर बहुत सारे हमारे पास क्लासेज हैं तो मेन क्लास तो हमारी एक ही होगी ना, कि जिसमें हमारा वॉइड मेन फंक्शन एग्जिस्ट करता होगा, राइट। तो यहाँ पे हमारा मेन फंक्शन है वो डेमो क्लास में है, तो यहाँ लिखेंगे मेन क्लास डबल कॉलम एंड देन हम देंगे क्लास का नेम। इन माय केस क्लास का नेम है डेमो, और जो हमारा कर्सर है ना वो डेमो की नेक्स्ट लाइन में जाके छोड़ेंगे, ना कि डेमो की। यहाँ अगर हम कर्सर छोड़ते हैं तो ये हमारी जार फाइल क्रिएट नहीं होगी, ठीक है, तो कर्सर हमारा ऑलवेज नेक्स्ट लाइन में छोड़ेंगे। सेव कर लेते हैं और कट कर देंगे। देन हमारे पास में एक मैनिफेस्ट फाइल है और क्लास फाइल है और एक इमेज फाइल है। इमेज फाइल जो मैंने अपने ऐप में बैकग्राउंड में ली है, ठीक है, ऐसी अगर MP3 फाइल्स हो सकती हैं, कुछ भी हमारे एप्लीकेशन में इंक्लूड किया है, कुछ भी हो सकता है। अब हमें करना क्या है कि कमांड है, हाँ बहुत सारी खुली हुई हैं, वेल एक और खोल लेते हैं, CMD एंड कमांड है हमारी JAR -CVMF। सी हमारा दिखाता है कि हमें एक जार फाइल क्रिएट करनी है एंड वी हमारा जो डिटेल्स आती हैं कि हम जार फाइल ऐड कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या ऐड हो रहा है जार फाइल में, वो सारी डिटेल्स शो करवाने के लिए अभी देखेंगे। एंड एम स्टैंड्स फॉर मैनिफेस्ट, एफ से हम ये डिनोट करते हैं कि हमारा जो आउटपुट है वो एक फाइल में आना चाहिए, ठीक है। वेल द नेक्स्ट इसके आगे हमें लिखना है हमारा मैनिफेस्ट का पाथ, मैनिफेस्ट डॉट txt, ठीक है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है तो .txt लगा देंगे। देन एंड इसके आगे हमारा मैनिफेस्ट फाइल अगर किसी और फोल्डर में है तो हम पूरा पाथ दे देते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारा मैनिफेस्ट न्यू फोल्डर के अंदर है तो लिख देंगे न्यू, ठीक है। हमारा तो ये करंट डायरेक्टरी में ही है मैनिफेस्ट, तो हम ऐसे ही से लिख देते हैं मैनिफेस्ट .txt एंड देन जो हमारे लिए ऐप का नेम चाहिए, ऐप का नेम हमें चाहिए ऐप या कुछ भी और एप्लीकेशन का नेम जो भी हम रखना चाहते हो, app.jar, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि हम उस ऐप में क्या क्या इंक्लूड करना है, तो सबसे पहले तो क्लास फाइल, क्लास फाइल का मतलब है हमारी डेमो क्लास जो हमारा कोड है ये रन करेगा, बाइट कोड है, ठीक है। और दूसरा हमें चाहिए इमेज, क्योंकि मैंने जो बैकग्राउंड में इमेज सेट कर रखी है वो भी तो हमें चाहिए होगी ना, तो इसके अलावा *.jpg इमेज का एक्सटेंशन है। तो हमारे जो करंट डायरेक्टरी में जितनी क्लासेस होंगी वो सारे इंक्लूड हो जाएंगे हमारी जार फाइल में, एंड अगर कोई इमेज और भी हैं JPG से सारी सारी हमारे इंक्लूड हो जाएंगी। इन दैट केस की अगर हम MP3 वगैरह भी यूज़ कर रहे हैं और कोई फाइल्स टाइप के फाइल्स यूज़ कर रहे हैं तो हम वो सारे सारी ऐसी एस्ट्रिक लिख के उनके एक्सटेंशन दे देंगे, ठीक है। ओके, अब बस एंटर प्रेस करना है। ये था हमारा बी का पर्पज़, ये वाले बी का पर्पज़ कि हमारा जो एडिंग डेमो जो शो कर रहा है ना कि ये क्लास एड की है हमने एक बैकग्राउंड, अगर भी वी नहीं लिखते यहाँ पे तो हमारा ये शो नहीं होता, ठीक है, डायरेक्टली हमारी फाइल क्रिएट हो जाती जार। और वेल हमारी फाइल जो है वो क्रिएट हो गई है यहाँ पे, देखिए ऐप नेम से, और ये डबल क्लिक भी ओपन होगी। ओके, इन दैट केस की अगर ये जार फाइल का आइकन शो नहीं कर रहा है तो हम क्या करेंगे, इसे ओपन विद कर लेंगे यहाँ पे, चूज अनदर ऐप में जहाँ भी हमारा जावा TM प्लेटफॉर्म ऐसी बाइनरी लिखा होगा उसी उसके थ्रू ओपन कर लेंगे, ठीक है। ओके, इसके फायदे क्या होते हैं कि एक तो हमें कमांड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी रन करने के लिए, ठीक है, और दूसरा ये फ़ायदा है कि इसमें हमारा कोड इंक्लूड नहीं हो रहा है, जो कोड है हमें यूज़र को देने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ इस एप्लीकेशन फाइल को, इस एग्जीक्यूटेबल फाइल को हमें यूज़र को देना है और वो अपने सिस्टम में कोई सा भी डॉक्यूमेंट
जो भी से परफॉर्म करवाना है, कोई इसका सॉफ्टवेयर है वो परफॉर्म कर सकता है, डजेंट मैटर। डबल क्लिक किया और हमारा ये ओपन। ओके सो दिस इज़ ऑल फॉर आवर वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।